जब भी आपको कम मेहनत में कोई हेल्दी रेसिपी बनानी है तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि एक तो ये हेल्दी है और दूसरा बहुत सारे अच्छे गुणों से भरपूर है ये रेसिपी। चीनी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे, इसे हम गुड़ से बनाएंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की बहुत ही हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, मखाने और सूखा नारियल लिया है। इस रेसिपी को मैं कुकर में बनाऊंगी। तो कुकर में एक चम्मच घी गरम करेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाए हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले हम काजू और बादाम डालेंगे, क्योंकि काजू और बादाम में अपने अंदर ही थोड़ा सा फैट होता है, जिस वजह से ये अच्छे से सही से रोस्ट हो जाते हैं और ये घी भी नहीं पीते। और यदि आप काजू बादाम की जगह पहले मखाने रोस्ट करते हैं तो ये सारा घी पी जाएंगे, फिर आपको और घी ऐड करके बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भूनना होगा। तो पहले आप काजू बादाम को धीमी आंच पर हल्का रोस्ट करके निकाल लें। अब हम इसमें सूखा नारियल रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सूखा नारियल का हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो गैस का फ्लेम धीमा रखें और धीमी आँच पर इसे हल्का सा रोस्ट कर लें। अब ये जो बचा हुआ घी है इसमें हम सबसे लास्ट में मखाने डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में पहले हमने काजू और बादाम को भुना, उसके बाद सूखा नारियल भुना, अब सबसे लास्ट में हम मखानों को भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मखानों का हल्का कलर चेंज नहीं हो जाए। और जैसे ही मखानों का हल्का कलर चेंज हो जाए इसे हम निकाल लेंगे। तो काजू, बादाम, सूखा नारियल और मखानों को हमने घी में भून लिया है। अब दलिया को भूनेंगे। तो उसके लिए कुकर में वापस एक चम्मच घी गरम करें। जैसे ही घी गरम हो जाएगा हम इसमें दलिया डालेंगे। तो ये मैं एक कप दलिया ले रही हूँ। दलिया को ब्रोकन व्हीट भी कहा जाता है, लापसी भी कहा जाता है, और ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है, सारे अच्छे गुणों की खान है ये। और ये कहा भी जाता है कि दलिया सुबह सुबह खाना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये मैंने एक कप दलिया लिया है। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भूनें। आप चाहें तो दलिया को पहले से भूनकर भी रख सकते हैं, उससे ये रेसिपी बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। बस 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बनके आपकी तैयार हो जाएगी। दलिया को भूनने में समय लगता है तो आप इसे जल्दबाजी में या फिर हाई फ्लेम पर नहीं भूनें, धीमी आँच पर इसे लगातार चलाते हुए भूनें। 8-10 मिनट बाद हम देखेंगे दलिया जो है इसका कलर चेंज हो गया है। दलिया हल्का पफ करता है, ये हल्का सा वाइटिश कलर में आना शुरू होता है। बस इतने स्टेज तक ही हमें इसे भूनना था। तो यहाँ पर दलिया हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक कप दलिया के लिए मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के बस 2 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। 2 सीटी में दलिया जो है आराम से पक जाता है। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर ले और मीडियम फ्लेम पर दलिया को पकने दें। तो जब तक दलिया हमारा पक रहा है तब तक हम गुड़ का सिरप बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है, इसके साथ 1 कप पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर बस गुड़ को भुनने तक पकाएं। और जैसे ही गुड़ अच्छी तरह घुल जाए गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर कुकर में भी 2 सीटी लग गई है, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था। कुकर को पूरी तरह से ठंडा हो जाने दें और उसके बाद कुकर का ढक्कन हटाएं। और यहाँ पर ये हमारा दलिया भी एकदम सही से पक गया है। तो हमने बस कुकर में 2 सीटी लगाई थी दलिया को पकाने के लिए और ये एकदम सही से पक गया है। अब हम इसमें ये गुड़ का सिरप डाल देंगे। तो मैंने इस रेसिपी में दूध जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो लापसी होती है लोग उसे दूध में बनाते हैं, और वो भी चीनी डालकर। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यदि आपको दलिया की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है तो इसे थोड़ी देर और पका लें। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने भुने थे वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी रेसिपी बनके तैयार है, जिसमें हमने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो जब भी आपको कम मेहनत में कोई हेल्दी रेसिपी बनानी है तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं। और यदि आप दलिया पहले से भून के रखते हैं तो आपको ये रेसिपी बनाने में केवल 10 से 15 मिनट लगेंगे।
तो आप इस सुपर हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।